निमापड़ा महिला गणदुष्कर्म अभियोग निमापड़ा पुलिस द्वारा गिरफ होता चारि अभियुक्त जेल जा 12 तारीख राति 10टा समय निकटस्थ कुशभद्रा नदीबंध को शौच होगा जा समय सेठे पूर्व बसी चारिज युवक महिला मुह गामुछा माड़ी टेकी नहीं दुष्कर्म करते अभियुक्त मैंने निकटिया स्थान को टेकी नहीं दुष्कर्म कर महिला चिकित्सा पर डाक्तखाना भर्ती करता बेले पुलिस चारिज को गिरफ कर कोर्ट चलाण कर रिपोर्ट होता गला 13/11/2021 रातिर पुलिस सांगे सांगे मकदमा रुजु कला इनवल्व थिया समस्त आसामी जहाँ घर सब काकटपुर एरिया से पुलिस रेड कर आसला बर्तमान तक इनभेस्टिगेशन चलती डाक्तरी महीना पर आज फॉरवर्ड कर केसटी तार स्पीडी ट्रायल पाई तार योजना चलाई आर तदंत को 30 दिन भितर समाप्त होमती ट्रायल समस्त दोषी दंड पाइबे से अनुसार तार व्यवस्था करा हुछी। पूरी अतिरिक्त एसपी घटनास्थल में पहुंची पीड़िता को भेटिंट पीड़िता जनक निमापड़ा थाना अधीन अंडिया साही ग्रामर पुलिस आईपीसी धारा 363 376 घ 423 294 354 ख 379 34 केस नंबर 400 रुजु कर चारि अभियुक्त काकटपुर थाना अमुनियापाटणा ग्रामर बलराम भोई अजय दास कन्हई भोई और बड़ आड़ंग ग्रामर दिजबर स्वाई को गिरफ्त करपटे पीड़िता डाक्तखाना गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती यहाँ कुने कांग्रेस जिला महिला सभानेत्री निरुपमा पात्र पीड़िता को भेटी तार स्वास्थ्य अवस्था संपर्क में पचारि बुझा सह पुलिस को न्याय दाबी करिछन्ति। निमापड़ा अंचल गोटे महिला सहित एमती कौन दुष्कर्म कर खाली देखते मैडम ये निमापड़ा नुह सारा राज्य आज ममता मेहर केस चलुची दिनक दिन ये जो सरकार रे महिला मान को जो नारा दौरान माँ को सम्मान दौ ये सम्मान ना कौन आप जो घटना सब घटुची गोटे तुरंत उपयुक्त दंड विधान हवा दरकार ये जो दंड विधान हवा द्वारा दोषी जो अभियुक्त से मैंने सतर्क हे मुझे आम एस टी पी ओ संगे संगे आलोचना करसराजी आई तुरंत ये घटनार 30 दिन भर चार्जसीट करके गोटे दृष्टांतमूलक पदक्षेप नि हेले सेपटे पुलिस अभियुक्त को घंट घोड़ा अभियोग कर पीड़िता और तांको स्वामी अभियुक्त मानको फांसी देवाई दावी कर पीड़िता न्याय न मिलने थाना सम्मुखें आत्माहुति देवे बोली चेतावनी देखते पीड़िता एने निमापड़ा एसडीपीओ प्रेसमिट कर निमापड़ सुनील मिश्रों रिपोर्ट कोणार्क न्यूज़।